बस दुआई क्या है जी, मुख्तलिफ लोगों के दिलों में मुख्तलिफ शकू मुख्तलिफ हमारे दिलों को चीर के देख रहा होता कि जिस दर्द के लिए हम निकले क्यों उस बरकत से एक बार फिर हमारे टूरिज्म प्लेयर्स की दर्दें बढ़ने लगी। मैं उनको ये मुसीबत का वक्त कि हिम्मत हमारे पास आप कुछ नहीं, मैं आज आप लोगों को वादा, हम आपको वो ख्वाब नहीं दिखाएंगे जो हम ख्वाब आपके पूरे नहीं कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि मेरे यहाँ जो नौजवान है, मेरे यहाँ जो ये बच्चियां हैं, इन सबको भी मैं श्रीनगर जिला के अपने कारकुनान का शुक्रिया बात होती है। मुझे लगता है उन्होंने अपना डेरा बंद कर ही दिया है, वैसे ही उनका डेरा बंद हो गया है। अब आप देखते हैं वो 7-8-9 पार्टियां मिल गई हैं, पता नहीं किस दिन वो मर्ज भी कर जाएंगी। अल्लाह करे जल्दी जल्दी मर्ज हो जाएं ताकि लोगों को पता लगे हकीकत क्या है, ये कोई नया ड्रामा नया धोखा तो नहीं है। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर की रियासत धोखे बर्दाश्त नहीं कर सकती है, हमने बहुत धोखे खाए, तो इसलिए आप देखेंगे उनको किस रूप में किस शक्ल में वो पहले भी देखते हैं 22 तारीख के बाद ही किस रूप और किस शक्ल में होंगे, उसके बाद आगे आगे जो जैसा बनेगा। अपनी पार्टी लोगों के लिए खिदमत के लिए सामने आई है, हम किसी पावर के लिए सामने नहीं आए हैं, और लोगों के मसले मसाइल उजागर करेंगे और हल भी करेंगे। अल्लाह के फजल से हमें कुव्वत भी है हिम्मत भी है। मैंने कहा साहब मैं ही नहीं हिस्सेदार था, हम सब हिस्सेदार थे, हमने तो हिम्मत इसीलिए जुड़ाई नहीं कि वी कॉल स्पीड स्पीड। अगर मैं कल अपनी पार्टी में भी गलत करूंगा आप अल्लाह के फजल से देखेंगे, मैं आपके सामने आऊंगा साहब ये मैंने जो किया ये गलत हुआ। यू आर द पार्ट ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर ड्यूरिंग पीडीपी। आई वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट एज लॉन्ग एज आई वाज देयर। आप देखिए मैं आई वाज अ वर्क्स मिनिस्टर। आप में से किसी को शिकायत है मैंने रोड अच्छे नहीं बनाए क्या? आप बताइए ना, डेवलपमेंट नहीं हुई। नहीं मैं कहता हूँ मैंने रोड बनाया ना, क्यों मेरा शहर डूब गया था, उन ठेकेदारों को आज तक पैसे नहीं इन्होंने दिए क्योंकि मैंने श्रीनगर के रोड बनाए थे। वो बताएं ना उन्होंने क्या किया, और अगर किसी ने चोरी की है, अगर अल्ताफ बुखारी ने भी की है, उसके खिलाफ कमीशन बिठाया जाए। डर क्या है, मुझे तो नहीं लगता है डर होना चाहिए किसी को, अगर चोरी नहीं की है तो डरना नहीं चाहिए। सर पहले जब आप दिल्ली गए थे आपने कहा था कि 4G स्टार्ट होगा, अब 9 महीने। हाँ आपने कहा सुनिए 4G के लिए हमने रिक्वेस्ट की, सिक्योरिटी कंसर्न्स आपको पता, हम तो वही कंसर्न्स खत्म करना चाहते हैं, यहाँ नॉर्मल सी आए ताकि हमें हर चीज़ में ये ना कहा जाए सिक्योरिटी की वजह से नहीं हुआ। हम तो वही माहौल यहाँ चाहते हैं कि माहौल ठीक इतना हो ताकि हमारे बच्चों को हर एक चीज़। 4G क्यों, अब तो 5G की बात है सर। एक्चुअली हम दूर वहाँ पर बैठे थे, यू आर सेइंग दैट बीजेपी इज इक्वली रिस्पांसिबल फॉर कश्मीर में, तो थोड़ा सा ये बसात कीजिए क्योंकि हम उधर सुन नहीं पाए। सुनिए साहब मैं कहता हूँ जितनी सियासी पार्टियाँ, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे PDP है, चाहे वो आपकी कांग्रेस है, चाहे BJP है, दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा कुछ नहीं है, कोई दूध का दुला हुआ नहीं है। और अगर 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 हमें ये कहा गया कि 5 अगस्त 2019 के बाद दूध की नहरें बहेंगी, वो भी हमने अभी तक देखी नहीं है।